वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हमेशा आप लोगों के लिए हम लोग कुछ नए नए टॉपिक्स लेके आते हैं। आज भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं। जैसे कि अगर बात करूं तो हाउ टू गेट अ जॉब विथ नो एक्सपीरियंस। जितने भी हमारे फ्रेशर इंजीनियर्स हैं वो सोचते होंगे कि मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए एक जॉब के लिए, बट विदाउट एक्सपीरियंस आप कैसे अपने जॉब पा सकते हैं, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दो और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दो, ताकि आगे ऐसे और वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या बचपन से लेके आज तक में आपका जो पैशन था आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एक बात बोलूं कि बहुत सारे लोगों का पैशन था, जैसे अगर मैं MS धोनी की बात करूं तो उनका पैशन था क्रिकेट खेलना। उस क्रिकेट खेलने के लिए उन्होंने जितनी मेहनत की है वो सब आप लोग जानते ही होंगे। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं PV सिंधु की, उन्होंने भी कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी मेहनत की है, उस मेहनत के बाद ही वो उस लेवल तक पहुंच पाई है। यहाँ पे सुनील छेत्री जी जो हमारे इंडिया के फुटबॉल का पूरा नक्शा ही बदल दिए हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया होगा उस पॉइंट पे अचीव करने के लिए। वैसे ही हमारे सरदार सिंह जी जो हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने भी कितनी मेहनत की होगी। अब मैं आपकी बात करता हूं, आप एक सिविल इंजीनियर है, आपने अभी तक में सिविल इंजीनियर तो बन गए, आपने कितनी मेहनत की, अपने पैशन को कितना फॉलो किया। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत सारे लोगों का पैशन नहीं था कि सिविल इंजीनियरिंग करना ही है, वो बस क्या हो गया एक फ्लो में, एक बस भेड़ चाल बोलते हैं ना, उस चाल में लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली और सिविल इंजीनियर बन गए। पर क्या सिविल इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने अपने आप में अपनी स्किल्स के लिए, खुद में इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या किया? तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपका पैशन नहीं था सिविल इंजीनियरिंग बट अब आप एक सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको वो चीज फील करनी होगी। अगर मैं सोचूं कि मैं ये वीडियो बनाने के लिए ही आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं कि मेरे को एक वीडियो ही बनाना है, तो वो चीज मेरा पैशन बन गया कि मेरे को आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है। वैसे ही सिविल इंजीनियर अभी तक के आपने अपने आप को फील नहीं किया है तो आज से फील करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप फील करेंगे, आप उस चीज को महसूस करेंगे, तभी आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स की बात करूं कि हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं वो कॉलेजेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तो एक एक पॉइंट पे मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आपका है नो प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग। अगर मैं ट्रेनिंग्स की बात करूं या आपके प्रैक्टिकल लैब्स की बात करूं, तो कितने सारे आप लोग में कितने सारे लोग हैं जब भी प्रैक्टिकल हुआ उसमें 100% पार्टिसिपेशन दिया है। अगर मैं एक नॉर्मल स्लम कॉन्टेस्ट की बात करूं तो उसमें जो कंक्रीट मिक्स होता है, आप लोगों ने 10 लोग के ग्रुप में बनाया होगा, तो आपका पार्टिसिपेशन उसमें कितना था? तो यहाँ पे अगर मैं कॉलेजेस को ब्लेम करने जाऊं तो वो भी गलत होगा, क्योंकि हमको अगर कुछ करना है तो वो हम खुद कर सकते हैं, किसी पे भी ब्लेम नहीं डाल सकते। अगर हमको आगे बढ़ना है तो आप किसी पे भी ब्लेम नहीं डालेंगे, आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि आपने खुद से कोशिश नहीं की उस चीज को करने की। सेकंड अगर बोलूं तो सब्जेक्ट्स आर आउटडेटेड, मतलब कि अभी भी जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनमें कोई अपडेट हुआ ही नहीं है। जो 10 साल पहले पढ़ रहे थे वही चीज आज भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा हो गया स्टूडेंट्स आर स्टडिंग टू गेट पासिंग मार्क्स। ये चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने पासिंग मार्क्स के अलावा भी कोई अलग से अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ किया? अगर मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करूं, SED की बात करूं, तो आप लोगों ने बस यही सोचा कि ये जो सब्जेक्ट है इतना हार्ड है कि चलिए इसको मैं 28 मार्क्स ला के पास हो जाता हूं ताकि अगले सेमेस्टर में पहुंच सकूं। तो ये सब चीजें जो स्टूडेंट्स ने गलतियां की हैं वो कहीं ना कहीं वो आपकी ही गलती थी। तो चौथी चीज अगर मैं बोलूं तो ओनली थ्योरिटिकल क्लासेस, हमारे कॉलेजेस में जो फोकस किया जाता है जनरली थ्योरिटिकल क्लासेस को ज्यादा फोकस किया जाता है, कोर्स कंप्लीशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर आपके सब्जेक्ट में 5 यूनिट था तो वो 5 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए अगर टाइम कम पड़ रहा है तो आपकी प्रैक्टिकल लैब्स को उनमें थ्योरिटिकल में कन्वर्ट किया गया ताकि आपके 5 यूनिट कवर हो सके। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप लोगों को पास होना है, टीचर्स को सिर्फ पास कराने के लिए पढ़ाना है।
फिफ्थ है आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग, जो आप फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में जो आप वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं, आप चले गए पीडब्ल्यूडी या कहीं पे भी आपके आस पास में कोई रिश्तेदार में घर बन रहा है तो वहां से आप ट्रेनिंग ले लिए, आप पीडब्ल्यूडी चले गए वहां से ट्रेनिंग ले लिए, तो क्या आपने 15 दिन या महीने भर की जो ट्रेनिंग करते थे तो क्या महीने भर में आपने कुछ सीखा उस वोकेशनल ट्रेनिंग से? वहां पे आप गए, आपको साइट विजिट करा दिया गया, ये काम हो रहा है, बस हमने कर ली वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर मैं अदर ब्रांचेस की बात करूं, इलेक्ट्रिकल सीएससी, उनके पास क्या मौका रहता है कि वो जाके अपने सॉफ्टवेयर को एनहेंस करें। बहुत सारे ऐसे सिविल इंजीनियर्स होंगे जिन्होंने वो ट्रेनिंग में ऑटो कैड या रेविट या कोई भी सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ भी लेक्चर या कंप्लीशन लिया होगा, पर क्या उस चीज को प्रैक्टिस में ला पाए आप अभी तक में? वो क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछना है। अगर मैं बात करूं 3 इडियट्स की, तो आप लोगों ने सबने ये मूवी देखी होगी, पर कितने सारे लोगों ने ये बात को समझी कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पड़ी है। अभी भी इतने सारे जॉब्स हैं, इतनी सारी वैकेंसीज हैं, पर क्या आप उन जॉब्स के लिए काबिल हैं? आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं उस जॉब पोस्ट को क्लियर करने के लिए क्या मैं उसके काबिल हूं? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछते रहना है। 3 इडियट्स मूवी आप लोगों ने सबने देखी होगी कि एक इंजीनियरिंग लाइफ आपको दिखाई गई है कि कैसे 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 आमिर खान, उनके पास कुछ नहीं था, वो उनके पास बस पैशन था कि उनको बस पढ़ना है, सिर्फ यूनिफॉर्म लेके स्कूल में चले गए, बैठ गए, क्लासेस चल रही है कॉलेज में, एक क्लास से निकल रहे हैं दूसरी क्लास में जाके बैठ गए, क्या बोलते थे, ज्ञान बट रहा है बटोर लो। तो क्या आपने कभी अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, काबिल होने के लिए पढ़ाई की है? वैसे ही अब मैं बात करूं कि आपका जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं साइड रखता हूं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो वेल प्लेस्ड हैं, क्या वो बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में वैकेंसी नहीं है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है? काम में इतना व्यस्त हो गए, अपने आप को इतना डेडिकेट कर दिया है कि उन लोगों के पास समय नहीं है कि ये बोले कि इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है। ये वही लोग बोलते हैं जो अभी तक के कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं और जिनके पास कोई भी टेक्निकल स्किल्स नहीं है जिससे वो अपने आप को एक जॉब के काबिल बना सके, वही लोग बोलते हैं बस कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। आपके पास इतनी सारी वैकेंसीज हैं, पर क्या आप उसके काबिल हैं? अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं कि कैसे आप काबिल बन सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो चीजें आपको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल स्किल्स में आपका एस्टिमेशन हो गया, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस, बिलिंग, सर्वेइंग, ड्रेन लाइन। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जितने भी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं आप सभी को करिए, पर सबका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और कोई भी एक फील्ड आपको चूज करनी है, किसमें आपको आगे बढ़ना है, उस फील्ड में पूरा डिटेल में जाके आपको पढ़ना है। जैसे अगर आपको एक बिलिंग इंजीनियर बनना है तो आपको बिलिंग का पार्ट, क्वांटिटी सर्वे, एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, सबका बेसिक नॉलेज और बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करूं तो एस्टिमेशन में आप जितने भी बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी उससे पहले जो आप टेंडर फिल करते हैं तो एक अप्रोक्स कैलकुलेशन, एक अप्रोक्स कॉस्ट हम लोग, या मैं बोल सकता हूँ एकदम एग्जैक्ट कॉस्ट आप एस्टिमेशन के हेल्प से लगाते हैं कि कितनी बीम लग रही है हमारे, कितने डोर विंडो लग रहे हैं, कितने के ब्रिक वॉल हो रही है, कितने का स्लैब हो रहा है, उस सब की आप एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाल सकते हैं। सेकेंड अगर बोलूं बार बेंडिंग शेड्यूल, तो बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होंगे जिन्होंने सुना भी नहीं होगा, बट ये आपके कोर्स में था, पर आपने कभी इस चीज को ध्यान दिया कि बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है? एक्चुअली में बार बेंडिंग शेड्यूल आपकी जो भी कटिंग लेंथ होती है आपके रिइंफोर्समेंट की, वो फाइंड आउट करने के लिए, ताकि आप अपने वेस्टेज को कम कर सकें। क्योंकि एक इंजीनियर बनना मतलब अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हुए हम कैसे उसको वेस्टेज को कम कर सके, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। वही चीज आपका क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस करता है। आपके बिल्डिंग में जितने भी मटेरियल्स यूज होने वाले हैं, कितना यूज होगा, कितने टाइप का यूज होगा, वो सब चीजें आप क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस में देखते हैं। बिलिंग में जो फाइनल स्टेज होता है आपका कोई भी प्रोजेक्ट का, कि कैसे आप एक फाइनल बिल प्रिपेयर करते हैं, वो कैसे होता है, ये सब चीजें, उसके साथ में ही सर्वेइंग, लेवलिंग जो होता है, कंटूर होता है, प्रोफाइल लेवलिंग होती है, ये क्या ये सब चीजें आपने एक डंपी लेवल में सीखा होगा। जैसे मैंने बताया
कोर्स कोई अपडेट ही नहीं हुआ है, डंपी लेवल थियोडो लाइट ज्यादा से ज्यादा आपने ऑटो लेवल में किया होगा, आपने कभी टोटल स्टेशन खुद से सीखने की कोशिश की। वैसे ही ड्रेन लाइन की बात करें तो ड्रेन लाइन लोगों को लगता होगा कि नाला निर्माण यही बोलते हैं बहुत लोग, पर उसके पीछे की जो सिविल इंजीनियरिंग है वो एक सिविल इंजीनियरिंग समझ सकता है कि हमको उसको कितने स्लोप में प्रोवाइड करना है, उसको कितना कितना स्लोप होता है, उसमें रीइंफोर्समेंट, उसमें जो कॉन्क्रीटिंग होती है वो सब कैसे होगा, ये सब चीजें आपको ड्रेन लाइन में पता चलती हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर स्किल्स की बात करूं तो सॉफ्टवेयर स्किल्स में एक इंजीनियर का बेसिक जो होता है वो ऑटो कैड होता है, बहुत लोग सीख के छोड़ देते हैं, उसको प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। तो हमको उस चीज को प्रैक्टिस में लाना है, अपने ऑटो कैड, रेविट आर्किटेक्चरल, ई टैब्स, एमएसपी, गूगल स्केचअप, 3डीएस मैक्स, ये जितने भी मैंने आपको प्रैक्टिकल और सॉफ्टवेयर स्किल्स बताए, ये सब चीजें स्किल्स अगर आपको बेसिक भी आती हैं और आप एक इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि अगर मैं एक बंदर को अगर तैरने बोलूं तो वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा, अगर एक मछली को मैं पेड़ में चढ़ने बोलूं तो हिचकिचाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास वो स्किल्स नहीं है, ना वो चीज वो कर सकता है। पर वही चीज अगर मैं एक बंदर को पेड़ में चढ़ने बोलूंगा, क्योंकि वो बचपन से चढ़ रहा है तो उसको पता है उसकी एग्जैक्ट टेक्निक कि कैसे चढ़ सकता है वो, तो वही चीज हमको अगर एक जॉब पानी है तो मेरे को एक स्टेप्स बनाने होंगे कि मैं इस जॉब को, भले मैं फ्रेशर हूं पर मेरे पास अगर स्किल्स हैं तो क्यों नहीं लेगा आपका रिक्रूटर आपको, आपके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, जो स्किल्स उसको चाहिए अपने प्रोफाइल में वो आपको बिल्कुल लेगा। इतनी स्किल्स देखने के बाद कोई भी रिक्रूटर आपको मना नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए स्किल्स, जो भी पर्सनैलिटी, ये सब चीजें उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितनी आपकी एक कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इंटरव्यू में। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप वो इंटरव्यू में क्रैक कर जाएंगे और आप बिल्कुल जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है, ये वही लोग बोलते हैं जो अभी तक के कुछ नहीं कर पाए हैं। जितने भी वेल प्लेस्ड इंजीनियर हैं, क्या आपने उनसे जाके बात की कि सर इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है? वो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपकी जॉब लगेगी ही। इस चीज पे मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, जो हमने थ्री इडियट से एक और चीज समझी थी, वो समझी थी कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे करो। सक्सेस जक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, मतलब कि एक्सीलेंस में यहां बात हो रही है आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आप पूरे टेक्निकल स्किल्स अपना पैशन बना लीजिए और उसको करते रहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि साइट में चले जा, 3 महीने बिना पैसों के काम कर, काम सीख जाएगा। पर आप साइट में जाने के बाद आपके लिए कौन खड़ा है वहां सिखाने के लिए? जितने भी हमारे इंजीनियर्स हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि पहले आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करिए। बिल्कुल भी साइट, आप समझते होंगे कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, अगर मैं साइट में चले गया तो मैं सब काम सीख जाऊंगा। आपको कम से कम 2 से 3 साल लगेगा काम को सीखने में, तो क्या आप 4-5 महीने में सेल्फ इंप्रूव करके वो स्किल्स नहीं सीख सकते? वही चीज बताने के लिए मैंने ये कोट डाला है कि सिर्फ सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स बढ़ानी ही होगी, तभी आप इंप्रूव कर पाएंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो इसी नोट के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मैं और भी आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स में बात करने वाला हूं। वैसे ही सिविल गुरुजी आप लोगों के लिए निरंतर काम करते रहेगा, आप लोग बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरुजी के साथ।